झोपड़पट्टियों को देखकर, झोपड़ों वालों को देखकर उनका मन जरा दुखी हुआ कि कहां तो हम महलों में रहते हैं, सारी सुविधाओं में लोथपोथ हैं, और कहां ये बेचारे दूर से वो मजदूर बड़े भाव से राष्ट्रपति को देख रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे थे नजीक आने की। इन्होंने बुलाया, मजदूर आए कुछ नजीक, मजदूरों को ख्याल आ गया था कि राष्ट्रपति जी हैं। राजेंद्र बाबू ने पूछा, कैसे, ठीक तो हो, आनंद है? उन्होंने कहा, हाँ और तो सब ठीक है, लेकिन साहब यहाँ बहुत जंगल था, ये बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने की मजदूरी हमने की, बंगले कोठियाँ तो बन गए, बाग बगीचे भी लोगों के बन गए, लेकिन हमारे झोपड़ी में पानी की तकलीफ है। फलाने कोठी में, फलाने बगीचे में पानी भरने जाते हैं, उधर नल है, लेकिन वो बाग को तो पानी पिला देते लेकिन हमको पानी पीने को नहीं भरने देते। तो साहब आप तो राष्ट्रपति बड़े साहब हैं, आप अगर कृपा करो तो हमको एक नल लगवा दीजिए ना। ऐसा किसी मजदूर ने हिम्मत करके कह दिया। राजेंद्र बाबू की आंखें भर आई। वाल्मीकि को कहा कि कल तक यहां नल लग जाना चाहिए, दुख में आऊंगा घूमने को। दूसरे दिन आए, देखा नल लग गया। मजदूरों की खुशी में राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का चित्त खुश हुआ। ये है निष्काम कर्म योग का स्वभाव। अपनी सत्ता, अपनी योग्यता, अपने अधिकार का सदुपयोग बहुजन हिताय करने से अपने हृदय में सत्व सुख का प्रागट्य होता है। उन मजदूरों की, गरीबों की मांग पूरी करने का अथवा उनकी तकलीफ देखकर अपना मन दुखी हुआ और उनकी थोड़ी तकलीफ मिटी तो अपना मन थोड़ा सुखी हुआ। मजदूरों की प्रसन्नता के साथ मानो मजदूरों की उस दिन दिवाली हो गई। तो राजेंद्र बाबू उनकी दिवाली देखकर अपने हृदय की भी दिवाली का थोड़ा झलक उन्होंने पाई। पर दुख कातरता का स्वभाव, पर पीड़ा में साझीदार होने का स्वभाव, अपना अहंकार या फांका करके किसी को नीचे दिखाना और आप बड़ा होना, ये आसुरी स्वभाव है। लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होकर दूसरे के सुख में सुखी, ऐसा स्वभाव करके शासन करना या सेवा करना, इससे निष्काम कर्म योग हो जाता है। और ये निष्काम कर्म योग भी योग में सहायक है। गीता ने कहा, आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणम उच्चते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम उच्चते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है वो थोड़ा निष्काम कर्म करे, और निष्काम कर्म सेवा करने से फिर योग में गति होती है, तो फिर थोड़ा समय बचा के ध्यानस्थ हो जाए। इसके पहले एक घटना घटी राजेंद्र बाबू के जीवन में। ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य, अंग्रेज था, वे राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब की बात। जगतगुरु शंकराचार्य जेल में थे ज्योतिर्मठ के, जेल में थे, और वो